कर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अरबाज ने 12 साल के बच्चे को 26 बार चाकुओं से गोदा, खून का निशान छिपाने के लिए डाला कपड़ा। एक्शन में मध्य प्रदेश पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 12 साल के मासूम को चाकुओं से 26 बार गोदा गया, क्योंकि वो पड़ोस के रहने वाले नशेड़ी अरबाज को चोरी करने से रोक रहा था। अरबाज ने चोरी के रास्ते में आने वाले 12 साल के मासूम को चाकुओं से गोद डाला और मृत समझकर फरार हो गया। जिस समय उसने वारदात को अंजाम दिया, उस समय घर में बच्चे के अलावा कोई नहीं था। बच्चा अपनी बुआ सुमन सिकरवार के यहाँ रहता है। ओप इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वारदात छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नारायण बाग पहाड़िया क्षेत्र के अनगढ़ टोरिया इलाके की है, जहां शुक्रवार 15 मार्च 2024 को अरबाज नाम का युवक चोरी की नियत से पड़ोसी के घर में घुसा। उस समय घर पर 12 साल का बच्चा समर मौजूद था। समर ने अरबाज को चोरी करने से रोका तो अरबाज ने समर पर हमला कर दिया। अरबाज ने समर को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 26 बार चाकू से मारा। यही नहीं, अरबाज जब घर से भागा तो समर को मृत समझकर उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया ताकि किसी को खून का निशान ना दिखे और उसको फरार होने का समय मिल जाए। इस हमले में बच्चे के गर्दन, पेट, सिर और सीने में गंभीर चोटें आई। परिजन बच्चे को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया है। इस हमले में समर के फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि अरबाज नशेड़ी है और वो चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। अरबाज की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। इस वारदात की जानकारी मिलते ही एसपी अमित सांगी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपी अरबाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। वहीं पुलिस ने आरोपी अरबाज खान के खिलाफ थाना सिविल लाइन में केस दर्ज कर लिया। हालांकि अरबाज अब तक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट।